आई डोंट नो कैसे हुआ, ओनली फॉर राइट हैंड साइड इसका शेप टोटल चेंज हो चुका है। Hello friends, welcome back to channel and thanks for tuning back to my channel. So as it in the title, today we are going to change the rear tire of my RR310. Before starting this topic, first of all let me show you the current condition of my rear tire, that is the Michelin tire which installed currently as a stock on RR310. Let me show its condition. So friends, here is your stock tire. Iska shape aapko dikha deta hu. This is the right hand side. राइट हैंड साइड से टायर का शेप टोटली चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थ्रेडिंग है, जो मार्किंग है, जहाँ पे आपको पता चलता है कि टायर की लाइफ खत्म हो चुकी है, उस मार्किंग तक टायर आ चुका है। आई डोंट नो कैसे हुआ, ओनली फॉर राइट हैंड साइड इसका शेप टोटल चेंज हो चुका है ऑन माय नॉर्थ राइड। और ये साउथ राइड जो की थी, टायर का चेंज बीच में से चेंज हुआ था, वो आपको तो व्लॉग में दिखाई दिया था। तो अब भी आपको टायर की मार्किंग दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, इसका एरिया यहाँ तक टायर घिस चुका है। अब ये देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, ये रही मार्किंग, कितना ऊपर है एरिया। सो ये एरिया देख लीजिए, कितनी अच्छी कंडीशन में है बाइक का, कितनी डीप है ये मार्किंग। वही मार्किंग यहाँ पे आप देख सकते हो, एकदम नीचे की तरफ चली गई है, कुछ लाइफ ही नहीं रही टायर में। ऑल्सो ड्यूरिंग ऑन माई लास्ट राइड आई गॉट वेरी फर्स्ट पंक्चर ऑन दिस टायर, ये रहा। इसके पहले कुछ बाइक के ऊपर पंक्चर ही नहीं था, कुछ नहीं था। द पंक्चर लिक्विड विच इंस्टॉल इन साइड इट वर्किंग वेरी गुड। तो ये रहा ओवरऑल टायर का शेप, यू गाइज कैन सी द शेप चेंज, ये रहा। So from this angle you are able to see the shape change of tire. So because of this wrong shape while riding a bike proper balance नहीं लग रही थी, just एक side के ऊपर जा रही है ऐसे feel होता है, बाइक के ऊपर constant puncture हो रहा है। ये तो ये हो गया था, उसके बाद जैसे मैं मुंबई में आया उसके बाद विद इन सेकेंड वीक ऑल्सो दूसरा पंक्चर बाइक के ऊपर हो गया था। सो आप लोगों ने तो करंट टायर की हालत तो देखी ली, उसकी कंडीशन क्या हो चुकी है, बट आई एम प्राउड ऑफ दैट टायर दैट आई कवर मोर देन 65-70% ऑफ इंडिया ऑन दैट टायर। आई एम प्राउड ऑफ इट, बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो दैट टायर, आई विल कीप इट विद माई सेल्फ बाय द टाइम द फैमिली अलाउ मी टू कीप इट इन माई होम। सो नाउ लेट स्टार्ट दिस व्लॉग। सो विच टायर आई चूज, you guys can see it is a Pirelli 150/60R17. This tire is Rally Scorpion STR. This tire belongs to total off-roading. The reason I choose off-roading tire is because जब भी मैंने साउथ इंडिया की राइड की थी और नॉर्थ इंडिया की राइड की थी, वहाँ पे जब सैंड के ऊपर चलाते हुए और जो रियल स्लश था इन मध्य प्रदेश, वहाँ पे जो मिशन के स्टॉक टायर्स है बहुत घटिया परफॉर्म कर रहे थे, लिटरली टायर स्लिप हो रहा था। बिलीव मी आई नो हाउ टू राइड इन ड्राई सैंड एंड स्लश, आगे का ब्रेक कभी नहीं दबा रहा है, इवन नॉट प्रेसिंग द फ्रंट ब्रेक ऑल्सो टायर स्लिप हो रहा था, ग्रिप ही नहीं मिल रही थी उसके ऊपर। ऑल्सो ऑन दैट इंस्टेंट मुझे मेरे पिलियन को उतारना पड़ा था और उसको उस गंदे स्लश में से चल के आगे जाना पड़ा था और मुझे बाइक लेके जानी पड़ी थी, फिर भी बाइक स्लिप हो रही थी। मेन फनी पार्ट इज दैट जो नॉर्मल जो बाइक्स है स्प्लेंडर पैशन, उनके टायर अच्छी तरह से ग्रिप दे रहे थे और वो गाड़ियाँ ईजिली आगे जा रही थी। सो यार मन में कुछ लग रहा था, यार ये इतनी अच्छी बाइक लेके भी ऐसी हालत हो रही, तो दैट डे आई डिसाइडेड जब भी ये स्टॉक टायर खराब हो जाएगा I am going to go with off-roading tire. That is, this is the off-roading tire. So, let's see a tire bike के ऊपर install कर दूँगा, देख लूँगा उसकी grip. अभी भी ये tire bike के ऊपर लगाने के बाद 100% का production पता नहीं चलेगा, because आगे का जो tire है, जो that is the front tire जो है bike के ऊपर, वो stock Michelin tire ही है। जब भी मैं same model of this Pirelli Rally Scorpion SR tire off front change करूँगा bike के ऊपर, तब इस दोनों टायर का पोल्यूशन मुझे देर पता चलेगा। सो ये टायर मुझे पड़ा अराउंड 744 का था अमेजोन के ऊपर, but due to Amazon sale I got it with a 10% of cashback. Also the reason why I choose chasing tires on online, there is Gixxer ke tires jo hai both the front or rear, wo dono tire maine Amazon ke upar se purchase kiye the and luckily I got very good tires around just 2 ya 3 mahine old hi the, so that time I decided that offline se acha online mein latest tires mil rahe. So manufacturing date of this tire also July 3rd week, इसके ऊपर मार्किंग दी गई है। इफ यू गाइस वांट टू नो हाउ टू आइडेंटिफाई द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ एनी ऑफ द टायर ऑफ बस ट्रक बाइक कार, उसका एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोडेड है, अगर आप लोगों को देखना है तो अभी आई बटन में आ रहेगा, यू गाइस कैन चेक इट आउट। ऑल्सो द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस टायर आई एम गोइंग टू डू माई सेल्फ ओनली, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव द पैडॉक स्टैंड। सो बाइक से टायर मैं खुद ही रिमूव कर दूंगा, उसके बाद ये टायर लेके टायर शॉप में जाऊंगा, वहाँ पे ये टायर इंस्टॉल कर लूंगा, स्टॉक टायर वापस ले लूंगा
वापस घर पे आके आई एम गोइंग टू इंस्टॉल दिस टायर बैक ऑन माय आर आर 310 बाय माय सेल्फ। बिकॉज मैं मानता हूँ जितना आप अपनी बाइक के ऊपर काम करोगे उतना आप आपके बाइक के पास आओगे, सो द बॉन्ड बिटवीन यू एंड योर बाइक विल गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। चीज़ें पता चलती है जैसे जैसे एक चीज़ ओपन करते हैं। सो अभी तक तो मेरे साथ तो ऐसे हुआ है, जितना इतना मैं बाइक के ऊपर खुद काम करता हूँ तो उतनी मेरी जो जिक्सर है, जो आर आर 310 है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई नो हाउ टू डू इट ऑन माई बाइक। दैट्स आई चूज आई शुड रिमूव एंड इंस्टॉल दिस टायर बाय माई सेल्फ। So let's remove this plastic wrapping and start the installation. ये रहा अपना टायर, let me give you the closer look of it. So ये रही ब्रांडिंग, द स्टिकरिंग, द मार्किंग ऑफ टायर, दिस इज द मॉडल नंबर, यू कैन सी दैट ब्रांडिंग ऑफ द मॉडल नंबर दैट इज रैली एस टी आर इन बिटवीन ऑफ दिस ग्रैप, पिरेली ब्रांडिंग, यू गाइज कैन सी द शेप्स, द डिजाइंस of this tire. By the way, this is the radial tire. So also guys, I am going to install this sealant that is a tire puncture liquid in my new tire. You guys already see tire protection, that is the tire liquid which I already installed on my stock tire. If you guys haven't watched, I will provide the link in I button now, you guys can check it out. But on this time I am going to try with this liquid. This is the sealant liquid, the same I have already used on my jigsaw on both the tire, that is front and rear. So this package also I ordered from the Amazon. So this one comes with around 800 ml. So how much you have to pour in front tire, how much in rear tire, you guys, all the details has been provided over here. So in front tires it will going to do 350 ml, which we are not going to use right now. I will keep it this aside. And rear tire, that means on this tire I will pour 450 ml. So this is all the details. This is the warranty card, this one is the operation manual, how you can use it. Also you get wall opener free with this package. So this is the wall opener which is always better to handy with us. All the markings are already present on this bottle, you can see. So as per this marking we have to install the 450 ml on this tire. So friends, so now for removing this tire we have to remove this nut bolt. ये same nut bolt है जो हम लोग इधर टायर अगर remove करने के लिए remove करते हैं. Also for adjusting the chain alignment, इस screw को adjust करने के बाद chain अपनी tight होती है. उसका भी vlog अपने channel के ऊपर है, आई बटन में दी लिंक है, अभी देख लो यू गाइस. क्या अपने चैनल के ऊपर आर आर 310 के लिए सब डिटेल्स दी गई है, जस्ट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर देना यार. सो सब्सक्राइब कर लो, सब चीज़ आपको मिल जाएगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू रिमूव दिस टायर. सो नाउ वी कैन रिमूव दिस नट. ये आ चुका है बाहर, दिस वन इज द वाइसर. Let it keep it aside. So friend, bolt हम लोगों ने remove कर दिया, now we have to remove this one. और वो remove करने से पहले आपको chain alignment के जो nut bolt है उसको loose करना पड़ेगा, उसको अंदर की तरफ लेना पड़ेगा. तो 13 नंबर के पाना से एडजस्ट हो जाता है, ये loose हो चुका है यहाँ पर, ये आ गया अपना पार्ट बाहर. सो नाउ वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू हैमर दिस रॉड टूवर्ड्स राइट हैंड साइड बाई कीपिंग क्लोथ ऑन इट. तो उसके बाद ये रॉड बाहर की तरफ रिमूव हो जाएगा एंड देन अपना टायर नीचे आ जाएगा. सो नाउ आई एम कीपिंग क्लोथ ऑन इट एंड ट्राई टू, यू कैन सी ये इजीली अंदर की तरफ चला गया. नाउ वी हैव टू पुल द रॉड फ्रॉम राइट हैंड साइड, यू कैन सी वहाँ से पुश करने के बाद ये रॉड बाहर आ गया है. सो लेट्स रिमूव दिस रॉड आउट. ये ऐसे रोटेट होता है जो हम लोगों ने पार्ट उस साइड पे निकाला था, ये बाहर नहीं आएगा, इसको यहाँ पे लॉक दिया है. तो ऐसे पकड़ लेंगे इसको, एक हाथ से आपको टायर पकड़ना है, सो यू कैन सी ये रॉड टोटल बाहर आ चुका है. सो नाउ बिकॉज वी हैव डिस्क ब्रेक ऑन रियर साइड, सो इसको प्रॉपरली डिस्क के जो कोने में ब्रेक पैड है उसके अंदर से प्रॉपरली रिमूव करना है. लेट मी शो यू. और उस तरफ अपना चेन स्प्रॉकेट है, कैन सी ब्रेक पैड में से खींचा चुकी है डिस्क.
सो आप देख सकते हो डिस्क जो है वो ब्रेक पैड में से रिमूव चुकी है। ये एंगल अलग है, दैट इज़ इट, ए कम्प्लीट एक यूनिट है फॉर ब्रेक्स। और ये जो एंगल है यहाँ पे आपका चेन स्प्रॉकेट यहाँ पे माउंट किया हुआ है, उसको भी पकड़े प्रॉपरली चेन टायर में से रिमूव करनी है, उसके बाद इसको बाहर लेना है। पहले चेन को रिमूव कर लीजिए आप। सो अपनी चेन रिमूव हो चुकी है, उसको वहाँ पे रख दिया। अब विथ चेन स्प्रॉकेट अपना टायर बाहर आ जाएगा। ये रहा अपना टायर, ये अपना टायर बाहर आ चुका है। अगर ये पार्ट रिमूव करेंगे तो उसके अंदर आपको पैड्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, वी आर रिमूविंग द टायर। There is a liquid inside the tire too. So friends, you can see we have entered exactly 450 ml in this tire. So now we are filling up the air. So friends, I am cleaning this one with a kerosene. So total clean ho jayega. Part remove kar liya hai, so why not clean it? Because very rarely we remove the rear chain sprocket. So friends, you can see it's perfectly clean now. So now I will lube all these parts with the grease, this rod also. This part goes to here. इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो लॉक सिस्टम है वो परफेक्टली इस एरिया में चले जाएंगे। ये अपना चेन स्प्रॉकेट बैठ गया बाइक के ऊपर। ब्रेक पैड जो है मैंने अंदर की तरफ पुश कर दिए उनके सिलेंडर, ज़्यादा जगह बन गई हमारे पास। सिंग चेंज अपनी बैठ चुकी है। नाउ द मेन डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इंसर्टिंग द रॉड। सो यू कैन सी एक हाथ से मैंने टायर पकड़ा है, आधा रॉड अंदर गया है। रॉड परफेक्टली यहाँ पे अंदर की तरफ जा चुका है और ये रॉड यहाँ पे बाहर आ चुका है। सो यहाँ पे लग गया अपना। एंड उसके बाद वी विल इंस्टॉल द वाइजर। वी चेन का पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए चेन बहुत लूज है। लेट मी एडजस्ट द चेन एंड गेट बैक टू यू। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो चेन परफेक्टली टाइट हो चुकी है। इतना प्ले है, नाउ हैव टू टाइट दिस वन। मेक श्योर बाइक इज ऑन पैडॉक स्टैंड, को ज़्यादा टाइट नहीं करना। बाइक को पैडॉक स्टैंड से निकालने के बाद फुल टाइट कर लेना। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी अपना टायर तो बैठ चुका है, बट आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ टायर आपको उसके अलाइनमेंट देखनी, टायर किधर अटक नहीं रहना, उसका फ्री प्ले देखना है। तो लेट मी शो यू। ये देख लीजिए टायर का प्ले परफेक्टली है। यहाँ पे अलाइनमेंट देखते हैं व्हील की, क्या परफेक्टली मिडल को है। ये रहा सेंटर ऑफ पॉइंट और ये रहा अपना टायर। आप उस चौक ऑब्जर्वर के यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए उसका अलाइनमेंट और ये लाइन परफेक्टली है कि नहीं। देख सकते हैं आप एग्जैक्टली शॉक ऑब्जर्वर के मिडल में ये लाइन आ रही है। दैट मीन व्हील परफेक्टली बैठ चुका है अपने बाइक के ऊपर, टेढ़ा नहीं है। सो फ्रेंड्स, देख लो टायर टायर कंपैरिजन। दिस इज द मिशेलिन एंड पिरेली, फर्स्ट टाइम गोइंग टू यूज पिरेली। लेट्स सी कैसे है। नाउ आई विल राइड द बाइक एंड शेयर अ स्मॉल रिव्यू अबाउट दिस टायर। आई नो टोटल कम्फर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ऑफ रोडिंग है और यहाँ पर प्लेन टायर है। तो जब भी फ्रंट टायर चेंज करेंगे तो इस बाइक का रियल ऑफ रोड इंटेक्स पता चलेगा। नाउ लेट मी शो यू द फ्रंट टायर। इसकी लाइफ बहुत अच्छी है अभी तक, ये देख लीजिए। बाय द वे, फॉरगॉट टू मेंशन यू, बाइक करंटली क्लॉक इज 18,900 समथिंग। और ये आगे का टायर देख लीजिए, ये है थ्रेड, अभी भी बहुत जान बाकी है इस टायर के अंदर। तो फ्रेंड्स, अपना टायर तो इंस्टॉलेशन हो चुका है। एज ऑलवेज आई सेड, कुछ भी चेंजेस मैं बाइक के ऊपर करता हूँ अपनी बाइकर कम्युनिटी, अपने सर्कल के साथ शेयर करना प्रीफर करता हूँ। दैट्स व्हाई आई थॉट आई विल मेक अ व्लॉग ऑफ इट।
सो इफ़ एनी हाउ आप लोग को अच्छा लगा रहेगा, कुछ हेल्पफुल लगा आपको ये व्लॉग तो यार लाइक बटन दबा दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, दिल को सुकून लगेगा कि कुछ तो हमने हेल्प किया अपनी बाइकर कम्युनिटी की। सो डू हिट द लाइक बटन एंड हाँ, यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड स्टिल यू आर नॉट सब्सक्राइब, बिकॉज अपने चैनल पे ऐसे R&D वाले इंस्टॉलेशन के, टूरिंग के बहुत सारे व्लॉग्स आते रहते हैं। सो डू सब्सक्राइब इफ यू स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो फ्रेंड, बाइक तो चला के हो गई अपनी अराउंड 3 or 5 किलोमीटर चलाई मिक्स राइडिंग की, तो जैसे आप कम से लिक्विड डालते हो तो आपको 2 से 3 किलोमीटर 40 या 30 की स्पीड से बाइक चलानी रहती है, ताकि जो लिक्विड डाला है बाइक के टायर के अंदर वो प्रॉपरली स्प्रेड हो जाए टायर में। सो वो करने के बाद अराउंड 2 किलोमीटर बाइक थोड़ी हार्ड चलाई, दैट मीन मोर देन 80 की स्पीड तक चलाई बाइक, तो जो चेंजेस मुझे महसूस हुए, लेट मी शो, दिस इज़ वेरी स्मॉल रिव्यू। पिरेली के रियर टायर में ज़्यादा डिफरेंस मुझे कुछ लगा नहीं, ऐसे कुछ और लगा नहीं, ऐसे लगा कि मिचलिन के टायर चला हूँ, जब भी मैं लेस देन 30 to 20 की स्पीड से चला रहा था, कुछ चेंज नहीं लगा टायर के ऊपर, क्या मैंने टायर चेंज किया है बाइक का, ऑफ रोडिंग टायर डाला है बाइक में। सो जैसे स्पीड बढ़ाता हूँ 60 के ऊपर, इन बिटवीन 60 to 80, एक बोबल साउंड आता है कानों को पीछे के टायर से, जो करंटली अभी तो मुझे थोड़ा ऑड लग रहा है, बट लेट्स सी थोड़ी बाइक यूज टू होने के बाद टायर कैसे परफॉर्म करता है। मिनिमम 200 to 300 किलोमीटर साउंड को देनी चाहिए इस टायर को टू गेट इट एडजस्ट। वाइब्रेशन तो अभी मुझे फील नहीं हुआ क्योंकि मैंने 80 की स्पीड के नीचे चलाई है, आपको बोले तो पता है 86 की स्पीड के बाद आगे बाइक चलाने के बाद ये बाइक वाइब्रेट होती है, और जब कभी राइड करूँगा तो वो शेयर करूँगा, बट जस्ट एक साउंड आ रहा है 60 प्लस जाने के बाद, वोवल साउंड खट 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 की तरह, दैट मीन ऑफ टायर, आई कॉल इट एज अ स्वीट साउंड ऑफ रबर। तो दैट्स इट फॉर दिस वेरी स्मॉल रिव्यू।